हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आदर्श विलयन के बारे में पढ़ लिया, अब यहां पर देखेंगे बच्चों आपका अनादर्श विलयन क्या होता है। तो जो बच्चों आपका अनादर्श विलयन होगा वो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो कहने का क्या मतलब निकला कि वह राउल्ट के नियम से धनात्मक या तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो अनादर्श विलयन होगा अगर राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा तो वहाँ पर कौन कौन से इंसिडेंट होंगे जो बच्चों आपको यहाँ पर देखना होगा। तो सबसे पहले अनादर्श विलयन क्या बच्चों, वह विलयन जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन, मतलब बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कहते हैं। जैसे बात करें बच्चों आपका एग्जाम्पल का, तो जैसे एसीटोन व क्लोरोफार्म का विलयन, अगर बच्चों आप पर एसीटोन और क्लोरोफार्म का विलयन ले तो आपका बच्चों क्या होगा, अनादर्श विलयन होगा। इसे बच्चों आप लर्न कर लीजिएगा, ये आपको बच्चों को लर्न करना ही पड़ेगा। ये बच्चों आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो आदर्श विलयन क्या है, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करे, और अनादर्श विलयन क्या है, जो राउल्ट के नियम को फॉलो न करे। तो जैसे एसीटोन और क्लोरोफार्म का मिश्रण, अब एसीटोन और क्लोरोफार्म का मिश्रण में ऐसा क्या होता है कि राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता। तो बच्चों ये देखिए CH3, अब यहाँ बच्चों हमने लगा दिया COO और बच्चों यहाँ पर लगा दिया CH3, और आपको क्या क्लोरोफार्म है, तो क्लोरोफार्म मतलब आपका CH, CL और CL। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपका जो क्लोरोफार्म है वह ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है बच्चों, हाइड्रोजन बंध बना रहा है। अब यहाँ पर जो बंध बन रहा है, जो बांड बन रहा है, बांड बनेगा तो ये क्या होगी, इसका जो आयतन क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। और जब आपका आयतन घट जाएगा विलयन बनाने पे, तो मतलब क्या है, राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो आपका डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो राउल्ट के नियम क्या है बच्चों, जो राउल्ट के नियम को फॉलो करे वो आदर्श और जो न फॉलो करे वो अनादर्श। तो ये बच्चों आपका एग्जाम्पल रहा। और यदि इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें बच्चों, यदि इसके हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो जो आदर्श विलयन होगा वह तो फॉलो करे, अनादर्श विलयन फॉलो नहीं करेगा। और आपका जो डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू क्या, डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा बच्चों। यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगे, यदि ज़्यादा होगा तो उसे हम क्या आएंगे, धनात्मक अनादर्श विलयन। और यदि बच्चों डेल्टा वी मिक्स जो अगर कम आ गया बच्चों तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन वाले
अनादर सिविलियन। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों आप याद रखिएगा कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन से विलयन हैं और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कौन से आपके विलयन हैं। तो अगर ऋणात्मक प्रदर्शित करेगा तो ऋणात्मक प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और यदि डेल्टा वी मिक्स क्या आएगा ज़्यादा आएगी जीरो से ज़्यादा है बच्चों तो आप क्या कहेंगे उसे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और यदि आपका वैल्यूम बढ़ा तो ये कहेंगे और वैल्यूम घटा तो आप क्या कहेंगे बच्चों ये कहेंगे। तो एक चीज़ ये जानते रहिए, और दूसरा कि अगर आप जब मिलाएंगे जैसे कहते हैं आपका ए और ए, ए और ए को मिला रहे हैं किस में बी और बी में बन रहा है आपका 2AB, अगर इस बंद को ब्रेक करने में जो ऊर्जा हमें लग रही है और यहाँ से उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है तो दो कंडीशन होंगे, यदि हम ब्रेक किए और हमें मिलने वाली ऊर्जा ज़्यादा हो सकती है और हमारी मिलने वाली ऊर्जा बच्चों क्या हो सकती है कम हो सकती है। अगर हमारी मिलने वाली ऊर्जा ज़्यादा होगी या कम होगी तो मतलब क्या बच्चों डेल्टा एच मिक्स इक्वल डज नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों जीरो होगा। तो ये दोनों पॉइंट बच्चों आप याद रखिएगा, कम से कम ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और बच्चों यदि यहाँ पर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो बच्चों तब इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।